हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 10 सर्कल। इससे पहले, इस वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। नीचे जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ सर्कल? दिस इज़ अ सर्कल। A circle is a collection of a points in a plane which are at the constant distance from a fixed point. The constant distance is called a radius and fixed point is called a center. This is your center of the circle, which is represented by zero. This is your radius, which is represented by r. ओके, अब हम बात करते हैं हमारे थ्योरम वन की। थ्योरम वन, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन। हमें गिवन क्या है, देखिए, ए बी इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ रेडियस ओ पी। टू प्रूव ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, कंस्ट्रक्शन। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे कि जो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है जिसका टेंजेंट ये रहा हमारा ए बी। ओ इज़ अवर सेंटर एंड ओ टू पी वी आर मेकिंग अ रेडियस एंड दिस इज द ट्रायंगल जो कि हमने यहाँ से इसको ड्रॉ किया है। ओके, ड्रॉ टेंजेंट ओ क्यू एंड ओ आर। ओ क्यू कहाँ से बना हमारा, ओ से यहाँ तक का क्यू एंड द रिमेनिंग लाइन विल बी द आर। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, कि ये जो हमारा है ओ पी वो इक्वल्स है ओ क्यू के, दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ क्यू इज इक्वल्स टू क्या है, हमें यहाँ क्या दिख रहा है, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ Q प्लस क्यू आर। ओके, देन ओ आर इज ग्रेटर देन ओ पी। देखिए, ओ आर क्या है आपका, ग्रेटर देन है ओ पी से, ये ओ आर आपका बड़ा है ओ पी से, दैट्स वाई ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। दस ओ पी इज शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू ए बी, दैट्स वाई ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। हैंस द लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट वन। ओके, नाउ थ्योरम टू, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू गिवन सर्कल आर इक्वल। ओके, देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है, हम फिगर से समझते हैं। ये आपका सेंटर ओ, दिस इज योर रेडियस, दिस इज ऑल्सो योर रेडियस। फर्स्ट हमने दो टेंजेंट्स बनाई, टेंजेंट्स के बाद हमने उन्हें सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ओके, देन हमने उसके सेंटर पॉइंट्स को भी ज्वाइन किया, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ गिवन सर्कल आर इक्वल, कि हमने जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं एक्सटर्नल पॉइंट्स जो हमें गिवन है सर्कल से, वह इक्वल है कि नहीं है। ओके, गिवन अ सर्कल विद टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, तो हमें क्या प्रूव करना है, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें ज्वाइन करेंगे ओ ए एंड ओ बी को। ओके, नाउ प्रूव करना है, पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ पी पी। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ये देखिए, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या है, ये हमारे पास में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, ये दिख रहा है हमें, ये हमारा टेंजेंट के ऊपर जो भी होता है परपेंडिकुलर, वो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। ओके, 90 डिग्री माइनस राइट एंगल। देन ओ पी इज इक्वल्स टू
ओपी माइनस हाइपोटेनियस, हमारा हाइपोटेनियस उसमें से माइनस आ जाएगा। ओपी इज इक्वल्स टू ओबी इज इक्वल्स माइनस आईएस, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दोनों सर्कल्स का सेम रेडियस जो है वो है ले लिया हमने बाय राइट एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन में। मालूम है ट्रायंगल ओपी ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी, दैट्स मीन पी इज इक्वल्स टू पी बी बाय आवर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दैट्स व्हाई इट विल बी प्रूव्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ गिवन सर्कल आर इक्वल। ओके, थैंक यू।